सर मैं डॉक्टर नवीन जैन, मैं बी एड फैकल्टी से हूँ सर, इतिहास में पढ़ाता हूँ सर अपने बी एड के बच्चों को। मेरा मुख्य सर टारगेट बच्चों को रिसर्च और इनोवेशन, किस प्रकार से जो नई नई रिसर्च हमारी एजुकेशन में, हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री में प्रतिदिन आ रहे हैं, उसके बारे में हम रिसर्च और इनोवेशन नवाचार, प्रत्येक स्टूडेंट में अगर नवाचार नहीं आएगा तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक नवाचार और रिसर्च नहीं होगा तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुख्य टारगेट, मुख्य उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च का है और नवाचार का, जिससे स्किल डेवलपमेंट होगी, उनके रोजगार उत्पन्न होंगे और जिससे बच्चा अपने आप अपना भविष्य बना सकता है। इसको लेकर के हमने क्या किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इंस्टीट्यूशन ने कहा हमें कि आप ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन ढूंढिए जिससे नवाचार रिसर्च हो सके और बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की जा सके। ताकि फिर हमने एक टीम, मैंने अपने इतिहास के जो इतिहास जो हमारा विषय है, मुख्य विषय है, उसको लेकर मैंने एक नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया और उसके बाद पीएमएम प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी और संग्रहालय का मैंने जो है बच्चों को उसके बारे में बताया और उनको विजिट करा था। आसपास के बच्चों को ही या फिर हम आर्काइव के बारे में तो 1% लोग ही कम जानते हैं और अभी आर्काइव में एक सुशासन और अभिलेख की एक एग्जीबिशन भी लगी हुई है, उसमें पुराने अभिलेख हमारे बच्चों को देखने को मिले और उनमें स्किल डेवलपमेंट हुई और स्किल डेवलपमेंट में उनको लिखने का विचार आया। बड़े बड़े प्रोफेसर पीएमएमएल जो हमारी तीन मूर्ति लाइब्रेरी के नाम से चढ़ाके रूप में जानी जाती है, जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है, उसमें एक बहुत रिच पुस्तकालय है, वो बच्चों को देखने को मिला सर। वो बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं पूरे एशिया से, पूरे वर्ल्ड से वहाँ पर रिसर्च के लिए आते हैं, जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ पर पुराने, जो हमारे व्यक्तिगत प्राइवेट पेपर्स हैं, जो मैन्युस्क्रिप्ट सेक्शन है, उन पर माइक्रोफिल्म है, माइक्रोफिल्म में आप आज का ही 500 साल पुराना न्यूज पेपर वहाँ पढ़ सकते हैं और उसके बारे में, भूतकाल के बारे में हम आप लिख सकते हैं, बच्चे लिख सकते हैं पेपर। बड़े बड़े जर्नल्स सर वहाँ पर, जर्नल सेक्शन था, जनरल सेक्शन, फोटोग्राफी सेक्शन था सर। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा किए गए नए नए नवाचार, नए नए रिसर्च जो है उसके बगल में फिर हम जो है कि नेशनल वॉर मेमोरियल को बच्चों को दिखाने के लिए ले कर गए थे, जिससे उनके मेन जो टारगेट है हमारा रिसर्च और इनोवेशन के माध्यम से बच्चों को तैयार करना है, रोजगार अपने खुद से डेवलप करना है। थैंक यू। Is there any mechanism of evaluation?
Is there any feedback that you take so that you मैं पता तो चंदा से जब वो वापस प्रैक्टिकली नॉलेज दे रहे हैं कि कुछ समझ ले रहे हैं अच्छे कुछ नीचे ले रहे हैं क्या क्या अलग किया कर रहे हैं यहाँ वैसे तो नहीं बट वो पता नहीं है कि इस तरीके से काम करना चाहिए या ये चीज हमने सीखी वो चीज यहाँ आकर के वापस आप ये फॉरवर्ड डिस्टेंस यू बिलोंग टू व्हिच डिपार्टमेंट हाउ मच डू यू हैव बुक्स इन योर लाइब्रेरी रिक्वायर्ड बुक्स यस यू हैव रिक्वायर्ड बुक्स यस Not at the books. Do you have a department to read? Department. Oh. HOD BC department. Our department mission is technological development, skill development and innovation. And mission is quality education, industry collaboration and holistic development. Basically, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो BC theme है वो पूरी professional theme है इसमें हमको केवल थ्योरी से ही मतलब नहीं होता है अगर बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं आए तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है तो हम बच्चों को प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी ज्ञान होता है और प्रैक्टिकल में हम उनको स्किल डेवलपमेंट का पूरा जो थीम है वो करवाते हैं अब हमारे यहाँ पे 50 कम्युनिटी पूरी लेवल दो लेवल में डिवाइड है लैंग्वेज लैब भी है और कंप्यूटर लैब भी है सारे सॉफ्टवेयर में पूरी तरह से एंजॉयड है और बच्चों को थ्योरी के साथ साथ पूरे प्रैक्टिकल जितने भी लैंग्वेजेज है उन सभी की स्टडी हमारे यहाँ करवाई जाती है और अभी तक 10 सिटी बेचेज हमने निकाल चुके हैं उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट विभिन्न कंपनियों में टेस्ट भी हो चुके हैं और वर्किंग कर रहे हैं उन सभी का डाटा भी हमारे पास है और समय समय पर हम बच्चों से कॉन्टेक्ट भी करते रहते हैं कि उनको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो रहे हैं और उनकी लिस्ट भी हमारे पास अवेलेबल है बच्चों को जो हमारा पढ़ाने का जो मेथड है वैसे तो कंप्यूटर में बेसिक जो प्रोफेशनल थीम है वो कंप्यूटर में ही प्रैक्टिकल होगा साथ साथ हम हर सैटरडे को बच्चों से सेमिनार भी आयोजित कराते हैं जिसमें बच्चे को एक टॉपिक देते हैं और वो उस टॉपिक पे पीपीटी में तैयारी करके लेके आता है और वो बच्चा उस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंट करता है इससे बच्चों में भी बोलने की स्किल का भी डेवलपमेंट होता है साथ ही बच्चों का समय समय पर यूनिट टेस्ट भी लिया जाता है और उनको विभिन्न असाइनमेंट भी दिए जाते हैं और बच्चों को लाइब्रेरी में हमारे पास कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी रेफरेंस बुकें भी है तो बच्चों को लाइब्रेरी में भी जाने का अवसर दिया जाता है और रेफरेंस बुक उनको पढ़ने को दी जाती है बाकी ओवरऑल में कॉलेज के लिए कहना चाहूँगा कि सारी फैसिलिटी कॉलेज के द्वारा हमको प्रोवाइड की जाती है चाहे रेफरेंस बुक से रिलेटेड हो पीसी से एडवांस पीसी लाने की वो अभी भी हमारे पास एडवांस 12th जनरेशन की पीसी i7 भी अवेलेबल है जो क्योंकि लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस आती है उनके लिए हमको कॉन्फ्लिक्शन भी बढ़ानी पड़ती है उसके लिए भी मैनेजमेंट हमको कभी मना नहीं करता है और रिसर्च के लिए भी हमेशा मोटिवेट करता रहता है पेपर लिखने के लिए उनका सारा जो एक्सपेंसेस है अगर कॉलेज द्वारा बीए किया जाता है जिसमें भी हमको सेमिनार के लिए जाना हो या कुछ भी तो कॉलेज द्वारा उसको बीए किया जाता है थैंक यू फ्रेंड्स एक्चुअली सो फॉर कंप्लीटली जिक्स व्हाट अबाउट लेडीज You have a good voice. First, in BM department, my pedagogical subject is Hindi. In my point of view and my individual aim hai, ki this area is a marketing language is there, so Hindi logon ki kaafi kamzor hai aur wo sare usko mistakes karte hain. तो उस चीज़ को हम किस तरह से रिमूव कर पा रहे हैं भाषा के संदर्भ में उनका किस प्रकार हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं और उनको हम किस तरह की इफेक्टिव लर्निंग जो क्लाइमेट है और जो सिचुएशंस है वो क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए और विद्यालय की तरफ से और हमारे पास हम व्यक्तिगत स्तर पर भी किस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक जो उनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो डेवलप किए जा सके और हम सोसाइटी को एक अच्छी शिक्षा और अच्छे नागरिक प्रदान कर सकें एस्पेक्ट्स ऑफ आर कॉलेज सो द मेन मेथड फॉर टीचिंग इज व्हिच इज यूज्ड इज व्हाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड एक्चुअली लेक्चर मेथड इज प्रेफरेबल बिकॉज स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम अ रूरल एरिया एंड स्कूल्स में उन लोगों ने वही मेथड देखा है तो हम उनको जो इनिशियल लर्निंग है वो हम उसी मेथड से देते हैं सो दैट वो यहाँ पे एक बार कंफर्ट हो जाए आफ्टर दैट हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं स्मार्ट बोर्ड्स भी हैं तो जो पीपीटी मतलब पावर प्रेजेंटेशन के थ्रू भी हम उनको बहुत कुछ सिखा
कॉन्फिडेंट करके हमारे कॉलेज से हम उसको बेचते हैं ताकि वो मार्केटेबल बने और मार्केट में उसकी वैल्यू हो, उसकी स्किल्स की वैल्यू हो, उसके अप्रोचेस की वैल्यू हो. तो हम इस टाइप के अप्रोचेस स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं. सो मेनी सेमिनार्स वगैरह भी हमारे कॉलेज में होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज, जैसे 2 नेशनल कॉन्फ्रेंसेज भी हमारा कॉलेज ऑर्गेनाइज करवा चुका है. तो हम उसमें स्टूडेंट्स का मैक्सिमम इन्वॉल्व जो होता है उसको हम तय करते हैं कि स्टूडेंट्स उसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व हो, क्योंकि बाहर से जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनसे उन्हें सीखने को मिलता है. लाइक कॉमर्स डिपार्टमेंट में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है आसिफ लोहा सर, तो वो यहाँ बहुत बार विजिट कर चुके हैं. वो स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग से रिलेटेड बहुत सारी, नॉट ओनली कॉमर्स स्टूडेंट्स, ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स को वो इस तरीके की नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कॉलेज में, ताकि हर बच्चा इंडिपेंडेंट बने, हर बच्चा अच्छे से such a population in this country.
We require a country with emotionally intelligent people that can contribute to the communities, that can make the communities to survive. I think you might have captured the point. So in that respect, whatever the possibility is there, you have to persuade the management to upgrade your skills, your knowledge, whatever the courses and other things. And research all these things. Without funds, one can conduct actual research in your classrooms by using our student manpower. There is no need for any fund for that. Our curriculum is there, our activities are there, our research skills we acquired through our MPhil and PhD programs we have. You can conduct it. Even without the MPhil and PhD also, you can conduct research, actual research. And if those things are documented well, that is enough for the NAC. That is what we are expecting. Instead of saying that we are not having funds, we are not having PhD, this, that. A well documented small activity is very important than this much of big work, not documented one. Any research must be knowledge creation, knowledge documentation, knowledge dissemination. These things are very, very important. If these things are lacking, that college is not worth to be a college. Very, very clear. Please. We conduct their workshops, science fair to motivate the students, and you ask me why, how I feel there. I feel very comfortable and happy with this college staff and students. I join there to improve my skills and knowledge by daily reading examples and with practicals. We relate theory to practicals and clear the concept of physics. Mostly students feel fear of physics, so we create their models with the students to innovate new ideas. We provide topics to students for seminar to develop their confidence. Also, we provide students educational tools and visits. For example, NPCL, nuclear power plant. We explain to the student how can we create the energy or electricity by the waterfall. And we provide Wi-Fi campus to students to innovate new models and new ideas. Thank you. Specific, not question, I like to have some specific information from you. What are the welfare measures you have? Welfare measures means, suppose I was studying in an institution. It was a government institution. I am retired, now I am getting pension. I got Janan Provident Fund I had. I got what is called gratuity. These are the welfare measures. What are the welfare measures you have in this college? Do you have, you don't have GPF, Janan Provident Fund is not there. CPF is there or not there? Yes. CPF is there. Some amount you contribute and equal amount is contributed by the medicine. Do you have medical insurance facility? No. Do you have gratuity? Do you get leave for higher studies? Leave CL, okay, fine. EL, do you have EL? Earned leave? No earned leave. Only CL, how many days CL? 14 days in a year. That is the key. 14 days CL. Yes, CL. So you don't have arm leave. Vacation is there, no? You have vacation. No. Diwali vacation and summer vacation. No, they get vacation. Vacation is there. That is a vacation. Then, if you go for a what is called this orientation course or differential course. Do you get leave with salary? No. Do
Do you have this, what is called, for higher studies also you don't get leave? Are you sure? In clear. Because these are the areas which we must call for the seminar. TA was given by the college. Cavalier officers are given by the college. If you go for a seminar. You cannot come to college due to some illness. Are you paid without pay or you are given salary? Without pay. Medical leave is not there. Any other thing do you like to add? Sometimes the academic staff college of your MS university, they conduct 15 days program for which you have to enroll. And you go attend and come back, that is what the sir is asking. Okay. Orientation. No orientation is given. They are all young teachers. So they are not getting this. Only for 15 days CLE. You never attend orientation program of your parent university? No? Nobody has attended. So anything else you want to add? First of all, are you happy working here? Yes. Now you see, when we ask you, are you happy or not, it is not that you are criticizing. I ask you to refer to some lecture. Adults, suppose you cannot attend an orientation unless you give up your salary. This is it not an hurdle for career advancement, but you didn't mention. You don't have medical leave. Illness, no one invite illness. It is an accident. If I fall sick, I cannot come to the institution. I do not get the salary. So what is this? Is it not an hurdle? If you keep quiet, no one is going to help. We do not mean when we say that hurdles that you are to criticize. You have to speak the fact. What are the problems you face? What are the advantages you are having? Here nothing is wrong. If we know the things, we persuade the management. We will tell the management, since you will request the management, we cannot force upon the management. We don't have the support. And why in this time? Government of India has instituted tech for last, I think about 20-25 years, to know the overall situation of the institutions in India. So that it can take some measures. For putting all the institutions, I am not saying that at equal level or equal footing, but proportionately. But in proportionate, that is one of the purposes of this meeting. Anyway, thank you very much for coming here, giving us time. Thanks a lot. We have Teachers Association here. We have a student mentorship here, student teacher mentorship. They are available. Okay, good. Thanks, sir. Good problem. Even next time, whatever cups one you go. This is Jewel's laboratory. Yes, sir. Sir, I didn't be dressed in the laboratory. Yes. Okay. So that it will be convenient. How many students are there in this college? In third semester, it's an annual student. Are you going to be in this college? Nice faculty. Before coming to the college, how did you know that faculty is a great time? College mein aane ka koi hai. Aap teachers ho sakte hain. Aap college aaya, sir pura raha hai, toh sunja. Aane ka koi hai teachers ho sakte hain.
This is your job. We have teaching plan and other things.
teacher to give wrong. This is called teaching plan. This is teaching plan how I did just what I taught. after seeing that record, a teacher has to give either positive comment or negative comment or something if it is lacking. Or to write like this, nothing is there, it is tick. Even the attendance they put tick, for that why should we need here? The constructivism. I think you teachers need orientation. Actually, you just need orientation. How to correct the. ठीक है मैडम चले तो. Because of the things how to write. Thank you.
Madam, your computer is on speaker. Yes. Is your laptop neck connected? No, sir. Actually, it is disturbed. So, sir, net access करने के लिए बच्चे लाइन के ऊपर जाते हैं सर। सर नहीं है। इधर नेट कनेक्शन नहीं है। अभी सर लाइन डिस्टर्ब हो रही है। लाइन आप ही डिस्टर्ब हो रहा है प्लीज। नेट डिलीट कर रहा है आपका और लाइन हाँ आप ही स्टार्ट तो क्या हो so
I
लेकिन एक्चुअली सर द टावर इज मोर अवे ओके वी हैव स्पेयर कनेक्शन एक्चुअली लाइट प्रॉब्लम इन नासिंग इट विल रिड्यूस योर पावर कंजप्शन बट 20 kV Okay. या तो बाहर तो मल्टीपर्पज हॉल विल बी फील्ड भी तो छोटा है सो दैट इट विल बी ग्रोवर फुटबॉल होगा क्या इस फील्ड में फुटबॉल एंड कबड्डी
ये बैक गेट है, बैक गेट एक साइड से स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासरूम है, स्मार्ट स्मार्ट बोर्ड इज बिटवीन स्मार्ट बोर्ड एंड स्मार्ट क्लासरूम सर आप उससे देखो आपका कॉलेज का वेबसाइट है मैंने सर दैट इज आल्सो वर्किंग नाउ कॉलेज का वेबसाइट ही क्या हुई बहुत बहुत